हे गाइस, आज की वीडियो के लिए यूज़ करेंगे ये ब्रिस्बेन बेट डेक. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. दिस इज़ योर होस्ट स्टार लॉर्ड एंड यू आर वॉचिंग क्लैंटास्टिक गेमिंग. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्लैश रॉयल. आज की वीडियो में हम करेंगे थोड़ा सा ब्रिस्बेन. ये है डेक मेरे पास. ये है डार्क प्रिंस बैटल रैम बेट डेक. बेट के लिए है हमारे पास डार्क गॉब्लिन, गॉब्लिन गैंग एंड बैट्स. सो जैप और लॉक दोनों बेट कर सकते हैं ये. प्राइमरी डिफेंस हमारे इस डेक में है पेका, जो कि सारे ग्राउंड ट्रूप्स, जायंट्स, जायंट स्केलेटन सबका ध्यान रखेगा. एयर डेक थोड़े से हमें डिफ़िकल्टी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ बैट्स एंड डार्ट गॉब्लिन है. लेकिन डार्ट गॉब्लिन काफ़ी ओपी चल रहा है आजकल मेटा में, क्योंकि लास्ट बैलेंस अपडेट में इसको बफ मिला था, इसका डीपीएस बढ़ाया गया था. सो लावा लून जैसे डेक्स थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, बट बाकी डेक्स पे ये ऑलमोस्ट सही काम करता है. सो अगर तुम्हें नहीं पता कि ब्रिस्बेन होता क्या है तो मैं बता देता हूँ. अगर तुम्हारा अपोनेंट कोई बड़ी यूनिट अपने किंग्स टावर के बैक में प्लेस करता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड कर देता है, तो तुम ऑपोजिट लेन में बिल्कुल रश करते हो ब्रिज पे कार्ड्स डाल के, लाइक एक पुश कह सकते हो बैटल रैम डार्क प्रिंस की. सो यही स्ट्रैटेजी है. शुरू करते हैं आज का पहला गेम. तो आज के पहले मैच में मैं हूँ अगेंस्ट इक्लिप्स. क्या ये रियल इक्लिप्स है? नहीं, ये लेवल 8 है जस्ट. सो लेवल 8 यानी कि प्रो, क्योंकि लेवल 8 इस ट्रॉफी रेंज पे सारे प्रो ही होते हैं लाइक मी. सो गॉब्लिन गैंग जा सकते हैं पीछे, लेकिन नहीं, उसने विजिट डाला है. गॉब्लिन गैंग को फायदा नहीं है. अपोजिट लेन में पुश कर सकते हैं गॉब्लिन गैंग को बैटल रैम से, बट मैंने लेट कर दिया. गॉब्लिन गैंग आगे चली गई, बस यही गलती आती गलती. तो ओके, पेक्का डार्क प्रिंस जाएंगे बैक में थोड़ा सा विजिट के लिए, और डार्क गॉब्लिन स्नाइप करने के लिए विजिट गया. पेक्का भी ऑलमोस्ट नहीं गया. पेक्का को मिलेंगे एटलीस्ट 2 या 3 शॉट. ऊपर से इधर से स्कार में आ रही है, उसको जैप करेंगे. डिस्पाइट सम मिस्टेक्स काफ़ी अच्छा ट्रेड किया हमने. उसका टावर है 756, मेरा टावर है 996. इस बेबी ड्रैगन के लिए मिडल में गॉब्लिन गैंग को स्प्लिट करेंगे एंड अपोजिट साइड में थोड़ा सा उसको चिप डैमेज मिलेगा. वेरी गुड. तो उसके पास ओके हॉक भी है डार्क प्रिंस, क्योंकि पैकेट के लिए मेरे पास एलिक्सिर नहीं बचा. एंड उसके पास डार्क प्रिंस काउंटर करने के लिए क्या है? ओके नाइट. तो नाइट है उसके लिए, डार्क प्रिंस के लिए, और पैका है मेरे बैटल रैम के लिए. काफ़ी टफ मैच होने वाला है ये. डार्ट गॉब्लिन मिडल में, डार्ट गॉब्लिन की रेंज देखना बहुत अच्छी होगी. बैटल रैम फ्रंट में, मे बी विल गो पैका. मैंने कहा ही था ये पैका आंटी बड़ा परेशान करेंगे आज के मैच में. तो उसके पास लेवल 4 का पैका है, मेरे पास है लेवल 6 का, आई मीन लेवल 2 का. तो विजर्ट मेरे सारे स्वाप्स को किल करने के लिए विजर्ट ने लॉक किया पैका पे. मैं गॉब्लिन गैंग विजर्ट के लिए डाला एंड विजर्ट गया, पैका भी गया. गॉब्लिन गैंग जिंदा है, कुछ उसको मिलेगा. यस, स्टेप गॉब्लिन को थोड़ा सा चिप डैमेज मिल गया. तो अब डार्क प्रिंस इस हॉक के लिए थोड़ा सा लेट कर दिया मैंने. डार्क प्रिंस चार्ज नहीं करेगा डार्क गॉब्लिन के लिए. हॉक ने टावर ले लिया, अब बारी है उसके लेने की टावर को. एंड लेवल 10 की स्केलेटन आर्मी थोड़ा सा लेट हो गया पॉइजन से. वेलकरी उसके पास सारे परफेक्ट काउंटर्स हैं हमारे बैटल रैम एंड ब्रिस्बेन के लिए, क्योंकि अकेला पैका पूरे ब्रिस्बेन को रोक सकता है. गॉब्लिन गैंग यहाँ पे, उसका विजिट के लिए हमारा पैका. अरे विजिट को मार भाई. यहाँ पे बैटल रैम 12 सेकंड बचे हैं, प्लीज टावर जाए. बहुत बढ़िया. तो हमने 1-1 के लीड ले ली है, मतलब आई मीन ड्रॉ कर दिया है. तो आई थिंक मुझे गेम डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से आसान नज़र आ नहीं रहे जीतने के. ऊपर से उसके पास पैका है, वो भी लेवल 4 का. गॉब्लिन गैंग उसके सिर पे, अपना पैका जाऊंगा मैं इन केस उसका पैका जिंदा बचे. हॉक को मार भाई. हो गया, 36 सेकंड बचे हैं. 36 सेकंड में मुझे नहीं लगता वो हमारे टावर को ले पाएगा. काउंटर पुश करते हैं ताकि वो उस लेन पे ज़्यादा स्पेंड करें. अब
बैटल रॉयल एक करते करते रह गया, जस्ट एक इंच का फासला था। ओके तो 20 सेकंड गॉब्लिन गैंग यहाँ पे, क्या वो जैप करेगा? नहीं किया, आई थिंक जैप उसका रोटेशन में नहीं था। चलो अच्छी स्टार्ट थी गेम को, बट जैसे तैसे हमने अपनी नैया डूबने से बचाई। तो यहाँ होगा ये ड्रॉ 1-1 से। अच्छा खेला उसने, गुड गेम, एंड थोड़ा सा टफ था। चलते हैं अगले की ओर और होप कि आगे ऐसा ना मिले। एक क्राउन मिला हमको, एंड लेट्स होप इनटू द नेक्स्ट वन। ओके अगला बैटल है हमारे पास अगेंस्ट राइनो लेवल 11। ओके ये या तो अच्छा खासा नूब होगा या फिर हमारी आज लगने वाली है। लेवल 11 के आर्चर, स्कूल, लेट्स गो बैट्स इन द बैक, क्योंकि आई हैव नो आइडिया उस पर क्या है। विज़र्ड, ओके पैका जाना पड़ेगा, या फिर पॉइजन करेंगे इसको डार्क फेसिस के लिए। बहुत बढ़िया वालकरी, उसके कार्ड लेवल्स देखो, वैसे ऑब्वियस है ये, इसकी टॉयलेट की जरूरत नहीं थी। आई थिंक उसने एक गलती कर दी। चलो दो स्पीयर गॉब्लिंस बचे, उनको थोड़ा सा चिप डैमेज तो मिलेगा एटलीस्ट। ओके तो उसके पास वेलकरी है और टोर्नेडो है जो हमारे ब्रिज स्पैम को थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। जैप करेंगे इन सबको, काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली डार्ट गॉब्लिन इस प्रिंसेस के लिए। एंड काउंटर पुश में डार्ट गॉब्लिन एटलीस्ट 3-4 हिट लेगा, बहुत ही बढ़िया। तो उसका टावर हो गया है 26-11। अब हम क्या कर सकते हैं, उसकी विन कंडीशन क्या है अभी तक समझ में नहीं आई है। आई थिंक पैका जाना पड़ेगा इसके लिए, तो और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। पैका गो, विजिट गया, टाइम टू गो फॉर बैटल रैम। बैट्स उसके टॉप पे, क्योंकि उसने अभी अभी जैप यूज़ किया है। बहुत बढ़िया बैटल रैम कनेक्ट हुआ, बैटल रैम को काफ़ी अच्छा डैमेज मिलेगा। एंड पैका भी ऑलमोस्ट जा ही रहा है, ये टावर गया, ये टावर गया। हाँ तो नूब है वो, ऑब्वियसली पता चल रहा है। चलो एटलीस्ट मैच तो जीते एक। गॉब्लिन गैंग मिडिल में इसके लिए, वैसे गॉब्लिन गैंग कोई काम करती नहीं है वेलकरी के अलावा, लेकिन वो टॉर्नेडो का क्या कर रहा है उसको सही में, या तो टॉर्नेडो चलाना आता नहीं है या फिर वो सेट है। तो यहाँ पे डार्क गॉब्लिन गया जैप इन सबको, डार्क प्रिंस इस विज़र्ड के लिए। 40 सेकंड बचे हैं, आई डोंट थिंक वो कुछ खास कर पाएगा। मेटल रैम अपोजिट लेन में बैट्स के साथ, गॉब्लिन गैंग यहाँ पे वेलकरी के लिए। पॉइजन नहीं कर सकते इसको, थोड़ा सा चुके पॉइजन, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं और एज आई यूज टू से इतने कम टाइम में वो घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। गुड गेम, अच्छा खेला उसने, बट उसकी टॉर्नेडो प्लेसमेंट आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाह रहा था वो। पैका इन सब के लिए, बैट्स इस साइड पे, बैट्स आते ही चले गए, वेरी गुड, गुड गेम, वेल प्लेड। मैच ओवर, हम जीते राइनो के खिलाफ 1-0 से। 20 ट्रॉफीज एंड ए सिल्वर चेस्ट। ओके मूव करते हैं अगले की ओर, 1600 गोल्ड हो गया। एंड देखते हैं अब किसके साथ मैच होता है हमारा। आई हैव नो आइडिया क्या है इसका नाम। तो स्टार्टिंग एंड काफ़ी अच्छा है, बैट्स को या फिर गॉब्लिन गैंग को स्प्लिट कर सकते हैं बैक में। डार्ट गॉब्लिन, गॉब्लिन गैंग यहाँ पे जब ब्रिज पे जाएंगे देखने के लिए कि उसके पास क्या है। एरोस, ओके एरोस हमने उसकी बेट कर दी। आई थिंक इट्स टाइम टू गो फॉर, ओके डार्क प्रिंस यहाँ, पॉइजन किया जाए या नहीं किया जाए, बटल रैम जाते हैं यहाँ पे। फायर बॉल, उसको फायर बॉल, हमारे डार्क गॉब्लिन को मिस कर दिया। जैप इन सबको, चलो विदाउट पॉइजन हमने उसकी गॉब्लिन हेड पे अच्छा खासा डैमेज कर दिया है। बैट्स यहाँ पे, गॉब्लिन गैंग यहाँ पे, गॉब्लिन गैंग को
थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। तो उसके पास रेज एंड मिनियन होर्ड एंड एरोज डेक काफ़ी ऑफ मेटा है डार्ट गोब्लिन के बैलून के लिए। होप ही डज नॉट एरोज, क्योंकि उसके उसने अगर एरो किया तो वैसे भी उसको बिना एरो के ही इतने शॉट मिल जाएंगे एक दो। ओके बेल्ट्रम जाएंगे यहाँ पे, एरो उसने अप कर दिया, उसके पास स्केल्टन आर्मी होगी। जैप रेडी रखते हैं, यस जैप स्केल्टन आर्मी को। एंड टावर पे काफ़ी अच्छा डैमेज मिल गया है बैटल प्राइम से, बट उसका बलून दिक्कत दे सकता है क्योंकि उस पर एरोज हैं जो हमारे हर कार्ड के लिए काफ़ी अच्छा काउंटर हैं। कोशिश करेंगे उसके एरो पहले से बेट करने के लिए ताकि वो बलून के साथ एरो को यूज़ ना कर पाए। एंड अब ओके पॉइजन करेंगे सबको एक साथ, डार्क प्रिंस जाएंगे, पॉइजन नहीं, पॉइजन बाद में करेंगे। गॉब्लिन गैंग यहाँ पे, अब करेंगे पॉइजन। नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, टावर गया एंड उसकी हट भी ऑलमोस्ट गई। ओके तो उसने अब यूज़ किया है इन्फर्नो टावर। इन्फर्नो टावर थोड़ा सा ख़त्म हो जाए फिर हम सीधा उसके पैका उसके फेस में जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले जाएंगे यहाँ पे। ओके ये थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, बैलून को हिट मिलेगा, टावर गया। तो अब क्या कर सकते हैं, रश के डार्क प्रिंस यहाँ पीछे, उसके इन्फर्नो टावर गया, अब हम पैका जा सकते हैं, लेकिन हम बैटल रूम जाएंगे पहले। एंड डार्ट गोब्लिन यहाँ पे, बैट्स यहाँ पे, ओह गलत जगह जैप कर दिया। लेकिन अभी डार्क प्रिंस एक और डाला हमने और हट गई। पॉइजन यहाँ पे मिनी नोट, बहुत बढ़िया पॉइजन, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, बट स्टिल मिनी नोट चली जाएगी। ये थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इसका रेज और बलून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैटल रम यहाँ पे, उसके एरोज, बैटल रम हुआ कनेक्ट, यस डार्क प्रिंस भी हुआ कनेक्ट। जैप करेंगे इस मिनी नोट को यहाँ पे एंड डार्क गोब्लिन यहाँ पे, और गोब्लिन गैंग और बैट्स यहाँ पे, उसके बैलून को हिट ना मिले प्लीज़। बस यही टाइम है हमारे पास मैच जीतने का। बैटल रम यहाँ पे, लेकिन उसके बैलून डैमेज से सब चला गया। एंड पॉइजन यहाँ पे, स्केलेटन आर्मी या किसी भी चीज़ के लिए, बैटल रम हो कनेक्ट, 489 डैमेज स्केलेटन में पीछे है, और जैप से हम जीत गए मैच को। आई नो मैंने मिनियन होड को स्केलेटन आर्मी बोला, बट फाइनली अच्छा खेला उसने, थम्स अप एंड वी गॉट द विक्ट्री, 30 ट्रॉफीज, बहुत बढ़िया मैच था। क्राउन चेस्ट में मिलेंगे 2 क्राउन एंड चलते हैं अगले मैच की ओर एंड देखते हैं कौन मिलता है हमको। काफ़ी इंटेंस मैच था ये, आपको देखने में पता नहीं लग रहा होगा बट मैंने खेला है, मुझे पता है। स्टार्टिंग हैंड थोड़ा सा ठीक कह सकते हो, बट आई प्रेफर गोब्लिन गैंग। यहाँ पे जैप करेंगे गोब्लिन गैंग को। ओके अब है ओके बेट डैक है उसके पास भी, यहाँ पे जाएंगे, इसने जैप भी कर दिया। ओके लेट्स गो फॉर बैटल रैम गोब्लिन गैंग, क्योंकि उसने अभी जैप किया डार्ट गोब्लिन भी। होप उसके पास लॉग या एरोज ना हो, नहीं तो हम टोट ओके जैप करेंगे। ओके इलेक्ट्रो विजिट भी है उसके पास, इलेक्ट्रो विजिट भी काफ़ी अच्छा काउंटर है बैटल रैम के लिए। द थिंग इज़ कि बैटल रैम के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काउंटर हैं, बस उसके पास होने चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए। तो डार्क प्रिंस आएगा, डार्क प्रिंस को हिट मिलेगा नहीं, ओ यस। आई थिंक काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि डार्क प्रिंस जब चार्ज कर रहा होता है और उस पर वो जब चार्ज उसका स्टॉप होता है तो वो 360 डिग्री स्प्लैश डैमेज करता है। वैसे तो स्प्लैश डैमेज खड़े खड़े में वो 2-4 टाइल्स पे ही करता है, बट जब वो चार्ज हो रहा होता है तब वो 360 डिग्री करता है। अभी देख ही लिया, गोब्लिन गैंग आते ही चली गई। तो उसके पास बीट टेक है, बैटल रम जाएंगे, यहाँ पे पॉइजन करेंगे उसकी गोब्लिन गैंग को अगर वो डाले तो। ये मैंने क्या कर दिया, गोब्लिन गैंग तो ऑलरेडी उसने डाल रखी थी, एक सेकंड, उसने गिव अप कर दिया क्या? आई थिंक उसने गिव अप कर दिया। क्यों भाई, ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी थी कि मैच छोड़ के जाना पड़ा? हेलो एनीबडी देयर, आई थिंक उसने गिव अप कर दिया। चलो एटलीस्ट हमारा ही फायदा है,
अब कुछ नहीं करना, आपको ये कार्ड कहीं भी स्पैम करो, कोई स्पेल कहीं भी चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, जीतना तो मुझे ही है। दूसरा टावर गया, बैटल रम यहाँ पे, उसको बोलेंगे थैंक्स क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ऐसे ही वो हर मैच में हमको हर कोई करता रहे तो मैं तो जल्दी ही नंबर वन पे पहुँच जाऊँगा। थम्स अप देंगे, थैंक्स बोलेंगे ट्रिस्टन को, द नाइट पॉच, नाइस नेम ऑफ क्लैन, बट 30 ट्रॉफी मिलेंगी। काफ़ी अच्छा खेला उसने, काफ़ी अच्छा नहीं खेला। क्राउन चेस्ट ओपन करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, 599 गोल्ड, 3 जेम्स, 8 मोटर, 8 फ्लाइंग मशीन, कूल। फ्लाइंग मशीन पे जल्दी डेक बनाऊंगा, स्केलेटन्स और बॉलर। ओके, फ्लाइंग मशीन काफ़ी ओपी कार्ड है, लाइक इट इज़ लाइक ए फ्लाइंग मस्केटियर। चलते हैं आज के आखिरी मैच की और देखते हैं हमें किससे सामना होता है हमारा। काकाओ, ओके, उसकी क्लैन का नेम कुछ हाई लेवल है जिसको मैं डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। एनीवेज, हमारे पास अच्छा स्टार्टिंग हैंड है, हम गॉब्लिन गैंग बैक में जा सकते हैं, डार्ट गॉब्लिन सीधा ब्रिज पे जा सकते हैं बेट आउट करने के लिए। डार्ट गॉब्लिन पीछे जाएं ना जाएं, गॉब्लिन गैंग जाएंगे ब्रिज पे देखने के लिए कि उसके पास क्या स्पेल है या फिर कोई ट्रूप कार्ड है। कुछ नहीं, डोंट टेल मी कि इसने भी गिव अप कर दिया है। चलो ट्राई करके देखते हैं। ब्रिज पे जाएंगे, बैटल रैम और डार्क प्रिंस, अगर ये टावर गया तो उसने गिव अप कर दिया है। यस, उसने गिव अप कर दिया है। कौन कहता है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं मोदी जी के राज में, ये देखो अच्छे दिन, बैक टू बैक दो लोगों ने मुझे अपने 3 क्राउन दिए हैं बैक टू बैक, इसे कहते हैं अच्छे दिन। थैंक्स बोलेंगे फिर से, थम्स अप देंगे, मैं क्या ही कह सकता हूँ, अच्छा मैच था काफ़ी। मे बी उसको कोई काम पड़ गया हो, उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया हो, या फिर नेट चला गया हो, जियो यूज़ कर भाई। एनीवेज, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। लास्ट के 2 बैटल काफ़ी छोटे थे क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया था। 30-40 है हमारी ट्रॉफी काउंट। ये है डेक, फिर से सिंपल डेक है, ब्रिज स्पैम करना है। डिफेंस के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, नीचे ग्राउंड ट्रूप्स के लिए पैका है ऑब्वियसली, तो ये डेक कॉपी करना चाहो कर लेना। ये डेक हायर एरिनाज में भी काम करता है, लोअर एरिनाज में भी काम करता है। चाहो तो डार्क प्रिंस को बैंडिट से, लंबा जैक से या रॉयल गोल्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो करेंगे आज की वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटा दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं लाइव स्ट्रीम करूँ या कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक टेक केयर एंड कीप क्लैशिंग।